फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप अर्थ पर सीधे ऊपर जंप करने की कोशिश करेंगे तो आप लगभग आधा मीटर यानी 1.5 फीट ऊपर तक कूद पाएंगे, लेकिन अगर आप इतनी ही फोर्स से सोलर सिस्टम के किसी और जगह पर कूदने की कोशिश करेंगे तो इसके रिजल्ट्स इससे बहुत अलग होंगे। फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। आज फैक्ट्स ट्रक आप लोगों को बताने जा रहा है कि आप हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स और मून पर कितने ऊपर तक जंप कर सकते हैं। मून। अर्थ के अलावा केवल मून पर ही ह्यूमंस असल में जंप कर पाए हैं। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की बस 17% ही है। अगर आप मून पर सेम फोर्स से जंप करेंगे तो आप जमीन से 10 फीट ऊपर पहुंच जाएंगे और लगभग 4 सेकंड्स तक हवा में रहेंगे। मार्स। मार्स का साइज लगभग अर्थ के बराबर ही है, लेकिन मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की बस 30% ही है। मार्स पर आप लगभग 3 फीट ऊपर तक कूद पाएंगे और 2 सेकंड तक हवा में रहेंगे, जो कि अर्थ की जंप का डबल है। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अर्थ से काफी छोटा है और इसकी ग्रेविटी अर्थ से लगभग 2.5 टाइम्स कम है। मर्क्यूरी पे आप लगभग 3 फीट ऊपर तक कूद पाएंगे और 2 सेकंड तक हवा में रहेंगे। वीनस। वीनस का साइज हमारे सोलर सिस्टम में किसी और प्लैनेट या मून के मुकाबले अर्थ से बिल्कुल मिलता हुआ है, और अर्थ और वीनस की ग्रेविटी में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप वीनस पर अर्थ से बस 1 इंच ऊपर ही कूद पाएंगे। जुपिटर। जुपिटर अर्थ से 300 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी इतनी ही ज़्यादा है, और जुपिटर पर कूदने के लिए कोई सरफेस भी नहीं है, इसलिए जुपिटर पर आपका कूद पाना पॉसिबल नहीं है। सैटर्न। सैटर्न का साइज अर्थ से बहुत बड़ा है, मगर सैटर्न की ग्रेविटी बिल्कुल अर्थ की तरह ही है। तो अगर आप सैटर्न पर जंप करेंगे तो आप 1.5 फीट ऊपर तक कूद पाएंगे और लगभग 1 सेकंड तक हवा में रहेंगे। यूरेनस। सैटर्न और वीनस की तरह यूरेनस की ग्रेविटी भी अर्थ से बिल्कुल मिलती हुई है। यूरेनस पर जंप करने पर आप अर्थ से बस 2 इंच ऊपर ही कूद पाएंगे। नेपच्यून। नेपच्यून की ग्रेविटी बिल्कुल यूरेनस की तरह ही है, और यहाँ पर जंप करने से आप लगभग 1.6 फीट ऊपर कूद पाएंगे। प्लूटो। प्लूटो अर्थ से बहुत छोटा है और यहाँ की ग्रेविटी अर्थ की बस 6% ही है। प्लूटो पर एक अच्छी जंप आपको 25 फीट ऊपर तक पहुँचा सकती है, और इसमें आप 9 से 10 सेकंड्स के लिए हवा में रहेंगे। एनसिलाडस। सैटर्न का मून एनसिलाडस पर आइस के फॉर्म में पानी छुपा हुआ है। ये साइज में अर्थ के मून के बस 14% ही है, और यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है। एनसिलाडस पर जंप करने पर आप 140 फीट ऊपर पहुँच जाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। इस फुल ट्रिप में आपको लगभग 1 मिनट लगेगा। तो ये थी हमारे सोलर सिस्टम के डिफरेंट प्लैनेट्स और मून्स की जंप हाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक। थैंक यू।